So till now we have talked about injustice, about the inequality, discrimination, prejudices, stereotype and things like that which people have to face in their day-to-day life. But how these people fight to get equality? So in the section striving for equality, we are going to know how people fight against this discrimination and claim their right to be treated equally. So we all know that Indians had to struggle a lot to get freedom from Britishers, right? But if we look at it more precisely, we will come to know that it was not only a struggle against Britishers, but also a lot of things. Other peoples like Dalits, women, tribals and peasants, these all fight against their inequalities also. They were not only fighting against the British, but also against their inequalities, against their discriminations. से जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था उसके अंदर काफ़ी तरह के जो है एक तरह से स्ट्रगल्स चल रहे थे. मतलब पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों ने, सबके अपने अपने एक रीज़न थे उस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के. सो सबको ब्रिटिशर्स से तो आज़ादी पानी पानी थी, बट बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके साथ साथ अपनी जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो उनको इनइक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है, उन्हें उससे भी आज़ादी पानी थी. अब ये सभी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने कैसे की, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि लोगों ने अपने आप को एकदम ऑर्गेनाइज कर लिया था, जैसे दलित लोगों ने, ताकि उन्हें टेंपल्स में एंट्री मिल सके, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग उनको टेंपल्स में एंट्री नहीं करने देते थे. तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, ग्रुप बनाया और अपनी आवाज़ उठाई और इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो लड़े. एंड उसके बाद धीरे धीरे वुमेन ने भी आवाज़ उठानी स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि जितना हक लड़कों को है एजुकेशन का, उतना ही लड़कियों को भी होना चाहिए, उतना ही औरतों को भी होना चाहिए. पेजेंट्स जो थे उनके साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था मनी लैंडर्स के द्वारा. सो इन मनी लैंडर्स की वजह से हमारे पेजेंट्स जो थे वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते थे, राइट. वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे पेजेंट्स से. तो पेजेंट्स ने भी आवाज़ उठाई और चेंजेस डिमांड किए, राइट. तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, राइट. अब वो इस इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना चाहते थे, वो चाहते थे कि सभी लोगों को एक इक्वल लेवल पर लाया जाए. सो जिन लोगों ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रूल्स बताता है कि भाई किस तरह एक नेशन जो है वो फंक्शन करेगा, राइट. सो इसके बारे में आप आने वाली क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट अभी के लिए आप इतना देखो कि जो एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे देश के लिए ये बताता है कि किस तरह हमारा देश काम करेगा. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो हमारे लीडर्स थे, जो लोग थे, वो ये जानते थे कि किस तरह ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, ये किस तरह हमारे देश में चलती आ रही है, किस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं और किस तरह उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी इक्वालिटी पाने के लिए. और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, तो उन्होंने इन स्ट्रगल्स को लीड किया और दलित्स के राइट के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की. सो इन सभी लीडर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक विज़न सेट किया, गोल्स सेट किए, ताकि सभी लोगों को, सभी इंडियंस को इक्वली कंसिडर किया जाए, राइट. और ये जो इक्वालिटी है हम सभी की, ये एक बहुत ही ज़्यादा की वैल्यू है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे देश का, और इस वजह से हम सभी एक हो पाते हैं, राइट. हम सभी, कितने ही डिफरेंसेस हैं हम में, कितने ही डाइवर्सिटी है, बट इक्वालिटी के कारण हम सभी एक हो पाते हैं, एक इंडियंस बन पाते हैं, राइट. इसके अलावा ये इंश्योर किया कि सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, एंड अनटचेबिलिटी इसको एबॉलिश कर दिया गया, राइट. इसको बंद कर दिया गया कि जो भी ये करेगा वो एक क्राइम माना जाएगा. तो अनटचेबिलिटी क्या बन गया, क्राइम बन गया. अब कोई भी अनटचेबिलिटी करेगा, कोई भी किसी को इस तरह ट्रीट करेगा कि तुम अनटचेबल हो, तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी. लोग किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का वो काम कर सकते हैं, उनको किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम्हें सिर्फ ये काम करना है, राइट. सो सभी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो. इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो प्रॉपर स्टेप्स ले ताकि जो पुअर लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको इक्वल किया जाए, उनको बाकी लोगों से इक्वलिटी दिलाई जाए. इसके अलावा जो राइटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी कहते हैं
कि हमारे देश में इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें, तभी इक्वालिटी आ सकती है, राइट। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को, जो भी वो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, जो भी धर्म वो फॉलो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी होनी चाहिए अपनी मर्जी का धर्म फॉलो करने का, एंड वो अपनी कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं जो वो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, किसी पर भी कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी, सब अपनी आज़ादी है, वो जो करना चाहते हैं वो इस तरह से लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से फेस्टिवल्स वो कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये नहीं कि उनको किसी को उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और वो ये भी कहते हैं कि कोई एक रिलीजन फेस्टिवल या फिर कोई एक भाषा जो है वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं होगी इंडिया में, राइट, कि ये सभी किसी के लिए कंपलसरी नहीं किया जाएगा कि सबको सिर्फ ये फॉलो करना है, सिर्फ यही फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, ऐसा नहीं होगा। और ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उसे सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है, राइट, ऐसा नहीं कि अब जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि सिर्फ हम इस धर्म को फॉलो करेंगे और सिर्फ इसी का भला करेंगे, नहीं, सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को, सभी कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट को इक्वली ट्रीट करना है। सो इन सभी राइट्स के चलते इंडिया क्या बन गया, एक सेक्युलर कंट्री बन गया, जहाँ पे लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, लोगों की अलग अलग फेथ है, और वो इन चीज़ों को अपने फ्रीडम से, अपनी इच्छा से, आज़ादी से फॉलो करते हैं, और उनको कोई डर नहीं होता कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, राइट। सो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह कि जहाँ पे सभी लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हों, अलग अलग फेथ को फॉलो करते हों, बट उन पर कोई दबाव ना हो, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे उनका, राइट, तो वो ये सभी फ्रीडम से अपना अपना फॉलो कर पाएँ। बट अब हमने ये तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करता है, सभी लोगों को आज़ादी देता है कि वो अपने मर्जी का रिलीजन फॉलो कर पाएँ, लैंग्वेज बोल पाएँ, त्यौहार सेलिब्रेट कर पाएँ, राइट, तो ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, बट क्या ये सच में है? मतलब काफ़ी हद तक है सच में, बट अभी भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, राइट, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब एकदम बिल्कुल इक्वली ट्रीट होते हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता, ऐसा नहीं है, आज भी लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो इक्वालिटी है ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोगों को लगातार लड़ते रहना पड़ेगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रातों रात हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि भाई तुम आज सो और कल सुबह पता चले कि भाई सब इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, लोगों को लड़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि सभी लोगों को इक्वालिटी दी जा सके, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएँ, रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो तभी हम इंडिया में जो है इक्वालिटी को एक रियलिटी बना सकते हैं, राइट। सो सभी के निरंतर प्रयासों की मदद से हम इंडिया में इक्वालिटी ला सकते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। सो यहाँ आप फोटो में देख रहे होंगे कि दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें साफ साफ पता चलता है, इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी इंडियंस को जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन्हें फ्रीडम है, आज़ादी है अपना धर्म चूज़ करने का, अपना बिलीफ को चूज़ करने का, राइट, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो ये सभी आज़ादियाँ हैं लोगों को, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6 सिविक्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। So keep studying, keep working hard, and we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.